मैकॉले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का नाश किया। 7,32,000 गुरुकुल जो इस देश में चला करते थे, संस्कृत भाषा के आधार पर शिक्षण दिया करते थे। 97% हमारे देश में साक्षरता हुआ करती थी उन गुरुकुलों की मदद से। इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, मेडिकल पढ़ाया जाता था, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, धातु शास्त्र पढ़ाया जाता था, चिकित्सा शास्त्र होता था, सर्जरी पढ़ाई जाती थी। ऐसे 18 उच्च शिक्षा के विषय हुआ करते थे। इन सब विषयों में पारंगत देश भारत को मैकॉले के एक कानून ने ख़त्म कर दिया, जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून के आधार पर संस्कृत को उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और संस्कृत के आधार पर पढ़ाने वाले गुरुकुलों को प्रतिबंध लगा दिया। गुरुकुलों के आचार्यों को जिंदा जला दिया, उनके घरों में उनके घरों के साथ जला दिया, हाथ पैर उनके काटे, उंगलियां काटी, भयंकर अत्याचार करके गुरुकुल बंद किए गए। आज़ादी के बाद क्या होना चाहिए था, जो कुछ मैकॉले ने किया उसका उल्टा करना चाहिए था भारत सरकार को। अंग्रेजी ख़त्म होनी चाहिए थी, अंग्रेजों के बनाए गए कॉन्वेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल बंद होने चाहिए थे, और जो गुरुकुल कभी चला करते थे इस देश में, जिनके आधार पर 97% साक्षरता थी पूरे देश में, उनको पुनर्जीवित करना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना अंग्रेजी को ख़त्म किया, ना कॉन्वेंट स्कूल बंद किए, ना पब्लिक स्कूल बंद किए, ना वो झूठा इतिहास सरकार ने बदला। मुझे तो बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि भारत के इतिहास की पुस्तकों में महाराजा रणजीत सिंह को डाकू कहा गया, भारत के इतिहास की पुस्तकों में अमर शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया, भारत की इतिहास की पुस्तकों में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी कहा गया, भारत की पुस्तक में अमर शहीद अशफाक उल्ला बटुकेश्वर दत्त को आतंकवादी कहा गया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को आतंकवादी बताया गया। अंग्रेजों के लिए ये सब क्रांतिकारी नहीं थे, अंग्रेजों के लिए तो ये आतंकवादी थे, लेकिन भारत के लोगों के लिए तो ये क्रांति मूर्ति थे, क्रांतिकारी थे, वीर पुरुष थे, साहसी पुरुष थे, जिन्होंने हमारी आज़ादी का रास्ता हमको दिखाया। तो हमारे लिए तो वो वीर पुरुष हैं, हमारे लिए तो अनुकरणीय हैं, उनको हम आदर्श मानते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद की किताबों में अभी भी उनके लिए आतंकवादी शब्द आता है, बहुत दुख होता है। और उससे भी बड़ा दुख होता है कि भारत की सत्ता व्यवस्था में शीर्ष स्थानों पर बैठने वाले मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री स्तर के नेता अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को अभी भी आतंकवादी कहते हैं, और कहते ही नहीं है, मानते भी हैं। और मुझे उससे बड़ा अफसोस है कि जो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी कहे, वो किसी देश का, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर रहे। इससे बड़ी विडंबना इस देश में कुछ नहीं हो सकती। हमें तो ये होना चाहिए कि अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी कहने वाले का हर तरह से नामोनिशान मिट जाए, ऐसा इस देश में प्रयास होना चाहिए, ऐसा अभियान चलना चाहिए। बनिस्बत इसके कि अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी कहकर गाली देने वाला मुख्यमंत्री बन जाए किसी राज्य का, और मुख्यमंत्री बनकर लूट करे पूरे राज्य के संसाधनों की। शर्म है, अफसोस है इन सब विषयों पे। तो हुआ ये है इस देश में कि आज़ादी भौतिक रूप से हमको मिल गई, अंग्रेज हमारे यहाँ से चले गए, लेकिन अंग्रेजों के बच्चे इसी देश में छोड़ गए। मैकॉले मर गया, लेकिन मैकॉले के मानस पुत्र इस देश में अभी भी जिंदा हैं, जिनको हम काला अंग्रेज कह सकते हैं। उन्होंने जब से आज़ादी के बाद इस देश की व्यवस्था को संभाला, सरकार को अपने हाथों में लिया, अंग्रेजों का बनाया हुआ और अंग्रेजों का बिगाड़ा हुआ कुछ भी इस देश में उन्होंने दुरुस्त नहीं किया। हमारे देश में भाषा अंग्रेजी है, भूषा अंग्रेजी है, भोजन अंग्रेजी है, भजन अंग्रेजी है, भेषज अंग्रेजी है, कानून अंग्रेजी है, कृषि व्यवस्था अंग्रेजी है, अर्थव्यवस्था अंग्रेजी है, चिकित्सा व्यवस्था अंग्रेजी है, हर स्तर पर अंग्रेजियत 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 छाई हुई है।